श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 17 जनवरी को माघ मास की दशमी तिथि है। इस मकर संक्रांति के महापर्व के दिनों में दान पुण्य करने की बहुत ही अधिक प्रथा है। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आपने भी इन दिनों में खूब दान पुण्य किया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा कि आपने दान पुण्य किस दिन इस मकर संक्रांति के पर्व पर किया है। वैसे तो 15 जनवरी को दान पुण्य किया जाता है, पर अगर आप उस दिन नहीं कर पाए हैं तो भी कोई बात नहीं। 17 जनवरी को माघ मास की दशमी तिथि है। अगर आप इस दिन भी दान पुण्य करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। साथ ही में आपको यह छोटा सा उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का अवश्य ही करना है। 17 जनवरी को मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके महादेव को जल अर्पित करके अवश्य आइएगा। मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप इन सर्दियों के दिनों में किसी गरीब को कंबल चादर बांटते हैं तो बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है। गरीब लोग जो रोड पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें आप इन सर्दियों के दिनों में कभी भी आपसे बने उतने कंबल आप इन गरीबों को अवश्य बांट दीजिएगा। उनकी दुआओं के साथ महादेव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। पूरी श्रद्धा से दान पुण्य अगर आप करते हैं तो ही उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। यह मास खास करके दान पुण्य के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है। इस माह में जो भी यह पुण्य करता है उसे महादेव की अपार कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन से सारे दुखों का नाश होता है, परेशानियां पूर्ण रूप से खत्म होती है अगर वह पूरी श्रद्धा के साथ यह कार्य करते हैं। तो आपको यह करते वक्त अपने मन में किसी भी गलत भावनाओं को नहीं लाना है। पूरी श्रद्धा के साथ आप यह कार्य अवश्य करिएगा। आप यह कंबल बांटने का पुण्य सर्दियों के दिनों में कभी भी कर सकते हैं। 17 जनवरी को स्नान आदि करके मंगलवार के दिन अगर आप यह करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। अगर आप पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानना चाहते हैं, ऐसी ही बातें मिश्रा जी की आप आगे भी जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।